नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानव। आप देख रहे हैं टेक्निकल मानव यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने पुराने फ़ोन को सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको एक पुराना एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए जो आपका सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से काम करेगा, और एक फ़ोन चाहिए जिससे आप लाइव देख सकते हो जो कुछ हो रहा है। फ़ोन से भी देख सकते हो आप, कंप्यूटर से भी देख सकते हो, मैं दोनों बताऊँगा। और ये दोनों फ़ोनों में इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और एक ही जीमेल अकाउंट से साइन इन होना चाहिए। तो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में करके बताऊंगा आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब देख लेते हैं कि क्या आपको कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपको दो फ़ोन चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो फ़ोन का इस्तेमाल किया है। पहला है एक ओल्ड फ़ोन जैसे ऊपर आपको नाम दिया है, और एक है न्यू फ़ोन। तो ओल्ड फ़ोन में क्या होगा, ओल्ड फ़ोन में हम जो सीसीटीवी कैमरा का यूज़ करेंगे, मतलब कैमरा के हिसाब से यूज़ करेंगे, और जो न्यू फ़ोन है वो व्यूअर के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो आपको पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है होम सिक्योरिटी का, वो आपको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आसानी से। तो उस ऐप को आपको डाउनलोड करने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अपने फ़ोन पर। तो मैंने दोनों फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है, तो अब हम इस ऐप को ओपन करते हैं दोनों फ़ोनों में। और दोनों फ़ोन के ओपन हो जाने के बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन में ओपन हो गया है। तो देख सकते हैं जो मेरा ओल्ड फ़ोन है उसको मैं कैमरे के हिसाब से यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं कैमरे के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो जो मेरा न्यू फ़ोन है वो मेरे व्यूअर के हिसाब से यूज़ करूँगा, तो वहाँ पर राइट टिक है। अब हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और आपको गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। एक ही गूगल अकाउंट दोनों फ़ोन में साइन इन होगा। पहले हम ओल्ड फ़ोन का कर लेते हैं। और न्यू फ़ोन का हम कर लेते हैं। जो मेरा पुराना फ़ोन है बहुत ही पुराना फ़ोन है और बहुत ही हैंग करता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ करूँगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पुराना है फ़ोन तो यूज़ कर सकते हैं। और बेटर के लिए, मतलब बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन से पुराना, आप कहीं भी इसको माउंट भी कर सकते हैं। मैं आगे जाकर बताऊंगा, पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं कर देता हूं एक ही जीमेल अकाउंट से, दोनों में एक ही जीमेल अकाउंट से साइन इन कर देता हूँ। तो यहाँ पर पुराना फ़ोन में हो गया है शायद, क्योंकि हैंग करता है तो लेट हो रहा है। और नया फ़ोन तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा, मतलब स्पीड कम है, इसलिए ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्लो नेटवर्क का। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आ गया है कि व्यूअर के फ़ोन में सेट हो गया है लाइव, आप देख सकते हैं। तो हम ओके कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर नए फ़ोन में अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक पैनासोनिक P55 नोवो का, मतलब जो मेरा पुराना फ़ोन है उसका मॉडल नंबर भी आ गया है। और जो नीचे आप देख रहे हैं डेट, समय और यहाँ पर बैटरी का परसेंटेज भी दिखा रहा है। और अब हम जो पुराना नए फ़ोन है उसमें देखेंगे लाइव, तो देख सकते हैं ये फ़ोन में कर रहा हूँ, ये फ़ोन में कर रहा हूँ, और मेरा जो नया फ़ोन है इसमें दिखा रहा है लाइव। तो आप देख सकते हैं। और इससे आप अपना, मतलब माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका फ्रंट कैमरा, आपके जो पुराने फ़ोन को आप रोटेट भी कर सकते हैं, इसका फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते इस फ़ोन से। देख सकते हैं कि मैंने इस पर ऑन किया तो उस मेरे पुराने फ़ोन पर ऑन हो गया। यहाँ पर आपको नाइट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब अगर आप ये सेटअप एक बार कर लेते हैं तो आपको, मतलब जो आपका पुराना फ़ोन है जो आप सीसीटीवी के हिसाब से यूज़ करेंगे उसको छूना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बता रहा था कि आप अगर इससे बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक जगह पर इसको माउंट करना है। किसी भी मोबाइल होल्डर से आप माउंट कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे मोबाइल होल्डर मिल जाते हैं,
और इसके बैटरी के लिए आप चार्जर से या फिर पावर बैंक से सेटअप वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पुराने फ़ोन की तरफ देखिए तो यहाँ पर व्यू ऑन कंप्यूटर पे है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर अगर जाओगे तो आप कंप्यूटर में भी देख सकते हो। आप इस लिंक पर जाकर आप सेम जीमेल अकाउंट से साइन इन करेंगे तो आप कंप्यूटर में भी लाइव देख सकते हैं, जैसे मैं नए फ़ोन पर देख रहा हूँ, और कंप्यूटर से भी आप सब कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे ये कंप्यूटर में आप कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उस लिंक पर जाने के बाद आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया है कि पैनासोनिक P50 नोवो का, तो हम एक बार इसको क्लिक करके देख लेते हैं कि कैसा वीडियो दिखाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसा वीडियो दिखा रहा है। तो यहाँ पर से आप फ्लैश ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑन हो गया। जहाँ पर मेरा फ़ोन है, फ़ोन थोड़ा 5-6 फीट दूर रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑन हो गया। इसको अगर ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ हो जाएगा। और इसी तरीके से आप कंप्यूटर में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और पूरा इससे आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।